सलवात पढ़े मोहम्मद
परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे और जिस मकसद ज़िंदगी की वजह से ये मजालिस रखी जाती हैं उन मकासद में भी हम सबको कामयाबी अता फरमा दे। गालिबन ये आज दूसरी तीसरी मजलिस तरहीम में आज इसको पढ़ने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। कई ऐसे चेहरे जिनको मैंने पिछले साल इस मस्जिद में देखा लेकिन आज उनके पोस्टर दीवार पे नज़र आए, तो इस बात की दलील है कि हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना है। आज ज़मीन के ऊपर हो, कल ज़मीन के नीचे जाओगे। तभी फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम रब की तरफ से हो और उसी की तरफ पलट के चले जाओगे। और अरबी ज़बान में एक उसूल है कि हर शय अपने असल की तरफ पलट के जाती है। इंसान का असल दुनिया नहीं है, दुनिया एक सफ़र था जहाँ पर इंसान गुजरता है, लेकिन इस जिस्म को ज़मीन के अंदर क्यों डाला जाता है, ये हुक्म क्यों है कि इसे जलाओ नहीं, इसे दरिया में मत फेंकना। हालांकि एक बेजान वजूद है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम जिस्म को दरिया में भी डाल सकते थे। हिंदू कहते हैं इसे जलाया जाए ताकि इसने जितने गुनाह किए हैं वो यहीं पे मिट जाएं। कुछ कहते हैं नहीं, क्यों ये बेकार हो, इसे दरिया में डालो ताकि ये मछलियों की ग़ज़ा बने। लेकिन इस्लाम ने कहा नहीं, इस जिस्म को दफन करो। उसकी वजह यह है क्योंकि ये जिस्म बना भी इसी मिट्टी से है और उस असल की बुनियाद पे कि जो चीज़ जहाँ से है वहीं पे पलट के जाएगी। जब ये नुतफा माँ के पेट में ठहरता है तो ये माँ जितना कुछ खाती है वो कहाँ से निकलता है, ज़मीन से निकलता है। कभी उसने फल खाए, कभी उसने पौधे खाए, कभी उसने सारी चीज़ें खाई, वो ज़मीन से चीज़ें निकली। वो ज़मीन के ज़र्रात जब उसके पेट में गए तो वो खून में बदले और वो खून उस बच्चे की ग़ज़ा बना। फिर बच्चा जब दुनिया में आया तो माँ ने जो उसे दूध पिलाया वो दूध भी उसी खून से बना था, वो खून भी उसी ज़मीन के ज़र्रात से बना था। लिहाजा हमारा जितना भी वजूद है ये कहाँ से बना है, ये ज़मीन से बना है। और मकाम ताज्जुब यह है कि जब बच्चा पैदा होता है ये बच्चा क्रोध करता है, तो कोई कह सकता है कि मैं बड़ा हो रहा हूं या ये जिस्म बड़ा हो रहा है। 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक जिस्म बड़ा होता है। हम किस तरह बड़े हों, बाज़ औक़ात एक 50 साल का शख्स भी होता है, कहते मौलाना अभी तक बच्चा है। क्या मतलब, इसका जिस्म बच्चा है या इसकी फिक्र बच्चे वाली है। तो ये चीज़ जो बड़ी होती है वो जिस्म बड़ा होता है, लेकिन आफ्टर 25 ईयर्स ये जिस्म रुक जाता है। अब इसमें तब्दीलियां आती हैं, कभी बाल सफ़ेद होते हैं, कभी झुरियाँ पड़ती हैं, कभी सुस्त पड़ जाता है, ये फिर वो सुस्ती की तरफ पलटता हुआ जाता है। लेकिन सवाल ये है, 25 साल तक मैंने खाना खाकर अपने जिस्म को बड़ा किया, लेकिन तुमने अपनी रूह को कितना बड़ा किया। अगर 50 साल के हो गए और जिस्म वैसे का वैसा है लेकिन रूह भी वैसी की वैसी है, तो फरमाइए ज़मीन में जिस्म जाएगा, रूह नहीं जाएगी, क्योंकि ज़मीन ने जिस्म को बड़ा किया है, रूह को बड़ा नहीं किया। ज़मीन ने इस जिस्म को तरक्की दी है, डेवलप किया है, वो बॉडी बिल्डिंग करे जो भी करे, जितना भी हुस्न इस जिस्म में आ रहा है वो ज़मीन से आ रहा है, कभी प्रोटीन की शक्ल में, कभी विटामिन की शक्ल में, कभी पौधों की शक्ल में, कभी मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल में, ये जो ताकत दे रहा है तुम्हारे जिस्म को दे रहा है। लिहाजा जिस्म अमानत है ज़मीन की और ज़मीन में पलट के चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे रूह को ग़ज़ा कहाँ से मिल रही थी। आवाज़ नफ़ख़्तु मिन रूही, ये जो 4 महीने के बाद इस वजूद इस गोश के लोथड़े में जो मैंने रूह फूंकी वो अपने वजूद नफ़ख़ी से मैंने इसमें फूंका था। बिल्कुल उसी तरह जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो पलट के कहाँ जाती है,
तो ऊपर जाती है। ये वजूद उस बॉल की तरह इस जमीन पर आया था और पलट के कहां जाएगा, वापस रब्बे हकीकी की तरफ चला जाएगा। लेकिन ऐसा क्या होता है जब ये आता है तो इसकी उनसियत इतनी हो जाती है कि ये जाने का नाम नहीं लेता। इमाम फरमाते हैं जितना बूढ़ा होता जाता है इसके वजूद में तमन्नाएं पैदा होती जाती हैं। और मैं मजाहन कहता हूं कि बूढ़ा होता है दुआ करता है परवरदिगारा इतनी जिंदगी दे कि अपने बच्चों को जवान होता हुआ देखूं। अल्लाह जिंदगी देता है, बच्चे जवान होते हैं, फिर दुआ करता है खुदा इतनी जिंदगी दे अपने बच्चों के बच्चों को देखूं, फिर खुदा जिंदगी देता है, फिर और तमन्ना बढ़ती है कि खुदाया इतनी जिंदगी दे अपने नवासों की शादियां भी देखूं। अल्लाह कहेगा अगर जिंदगी देता गया तो ये तो पता नहीं पड़पोतों तक पहुंच जाएगा। कभी ये नहीं कहा खुदाया मुझे तैयार कर अपनी मुलाकात के लिए, मुझे सलाहियत दे कि मैं मौत की भी तैयारी करूं, जिस तरह मैं हर सफर की तैयारी करता हूं मैं सफर मौत की तैयारी करूं। मैंने शरीकतुल हुसैन में कहा कि ये लोग फिर मौत से डरते क्यों हैं, जबकि मासूम फरमाते मौत एक ऐसा सफर है जिसके लिए हमारा चाहने वाला शिद्दत से इंतजार करता है। और मैंने उसकी मिसाल इस तरह दी थी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो बाहर आना नहीं चाहता, उसकी दुनिया वही होती है, और जब रोता हुआ इस दुनिया में आता है तो चंद दिन तो रोता है लेकिन जब दुनिया की रंगीनियों को देखता है फिर वो वापस जाने के लिए तैयार होता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब इस दुनिया से हम उस दुनिया में जाते हैं और जब उस दुनिया को देखेंगे तो मासूम फरमाते मरने वाला कहेगा ऐ काश मैं 20 साल पहले मर चुका होता। वो लज्जतें वहां पर देखेगा, वो नेमतें वहां पर देखेगा जिसका उसने तसव्वुर जिंदगी में नहीं किया था। फरमाया दुनिया अक्स है उस दुनिया का, यहां की नेमत अक्स के बराबर है लेकिन हकीकत में नेमतें वहां के लिए। इसलिए फरमाया मोमिन अगर आखिरत की मोहब्बत अपने दिल में डालना चाहते हो तो कसरत से सूरह अर-रहमान पढ़ा करो। कुरान में सूरह रहमान भी है, सूरह वाकिया भी है। ये नहीं कि सिर्फ हम डर वाली आयतें पढ़ें और कब्र से डरते रहें, कुछ ऐसी आयतें भी पढ़ा करो जिसके पढ़ने से तेरे वजूद में शौक आखिरत पैदा हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तो मैंने अर्ज किया था कि इंसान की कदर और कीमत जिस्म की वजह से नहीं है। अगर कोई इस पे नाज करे कि मेरे पास तनुमंद जिस्म है तो अल्लाह की आवाज आएगी तुझसे ज्यादा ताकतवर तो हाथी है, तुझसे ज्यादा ताकतवर तो गधा है। क्योंकि ये जमाना जिसमें हम रह रहे हैं इसको अहादीस में दौरे तबर्रुज कहा गया, यानी ऐसा जमाना कि एनी हाउ इंसान चाहता है मैं देखा जाऊं। मटीरियल वजूद अपनी मटीरियल खूबियों को दिखाना चाहता है, यानी आज मुआशरे में उसकी कदर नहीं जो किरदार का अच्छा हो, आज ड्रामों में सीरियल्स में उसकी कदर है जो शक्ल का अच्छा हो, किरदार का कितना भी बुरा हो बस शक्ल खूबसूरत होनी चाहिए। आज हमारे सिलेक्शन के जितने मैयार हैं वो मैयार जवाहिर पर हैं, बबातिन पर नहीं है, लेकिन खुदा की सिलेक्शन बिल्कुल बरक्स है। खुदा को अगर किसी के अंदर हुस्न नजर आ जाए वो चाहे बिलाल की शक्ल क्यों ना रखता हो, खुदा को अगर किसी के इंटरनल खुशबू आ जाए वो चाहे करबला का जॉन ही क्यों ना हो, उसे हुसैन की गोद नसीब हो जाती है। लेकिन अगर कोई जाहिरी शक्ल में खूबसूरत हुई क्यों ना हो लेकिन कुत्तामा वाली शक्ल हो, तो अल्लाह के यहां मेयार जाहिर नहीं था। ये फर्क है इंसान की सिलेक्शन में और खुदा की सिलेक्शन में, अहले बैत की सिलेक्शन में। वो जब सिलेक्ट करते हैं तो इंसान के बातिन को देखते हैं, बातिन से मुराद इंसान की सोच को देखते हैं, सोच से मुराद उस सोच के बुनियाद पर इंसान की एक्टिविटीज को देखते हैं। लेकिन दुनिया की सारी सिलेक्शन किस पर आए, इंसान के जाहिर पर है। जितना हसीन होगा दुनिया में उतना पसंदीदा होगा, और जिस्मानी एतबार से जितने डोले शोले होंगे दुनिया उतना उसे फिट समझेगी और कामयाब समझेगी। तभी हमारे मिंबर की कमजोरी यह है कि हमें खैबर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हमें खंदक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वो एक्टिविटीज ज्यादा है जिनका ताल्लुक जिस्म से है। हमें वो इमाम अच्छा लगता है जो ज्यादा लड़े, ये इंटरनल हमारा मसला है।
किसी जवान ने कहा मौलाना मैं वो मूवीज़ नहीं देखता जिसमें एंड में अलियाज़ुबिल्लाह अलुबैद हार जाए, मुझे वो चाल ज़्यादा पसंद है जिसमें मौला मारते हुए नज़र आते हैं, बिछाड़ते हुए नज़र आते हैं, दरे खैबर उखाड़ते हुए नज़र आते हैं। ये बर्रे सगीर की मैंटलिटी थी, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्में भी ऐसी बनती हैं कि बंदा एक को मारे और दस जाके ज़मीन पर गिरे, वही हीरो कहलाता है। लेकिन एक इमाम के अलावा 11 इमामों की जो जिंदगी देखोगे वहां ताकत कुछ और है, वहां तलवार से लड़ना ताकत नहीं है, वहां 10 लोगों को बिछाड़ना ताकत नहीं है। हाँ ये जरूरी था कि अरब में कोई अली हो, क्योंकि उनके जहनों में बहादुर वही था जो ये काम करे। अरब आमर इब्न अब्दुवत को बहादुर समझता था, अरब मरहब को बहादुर समझता था, अरब उनको बहादुर समझते थे जो भारी भारी पत्थर उठाते थे, जो ऊंटनी का बच्चा उठा ले, जो एक दिन में एक बकरा खा ले, अरब की निगाहों में वो बहादुर था। तो यही तो कुरान का उसूल है, जो तुम समझ रहे हो मैं वैसा ही भेजूंगा, अगर तुम्हारी निगाहों में शेर व शायरी कमाल है तो मैं कुरान भेजूंगा, अगर तुम्हारी निगाहों में अमर इब्न अब्दुवत का लड़ना कमाल है मैं अली जैसा हैदर भेजूंगा, ताकि तुम्हारे मेयार पे पूरा उतरे। और जब तुम उस मेयार को समझ लो फिर इलाही मेयार को समझना, अली लड़ते हुए भी इनको दिखाना। लेकिन अली इब्न अबी तालिब जब उसके सीने पर सवार हो जाओ और वो तुम्हारे चेहरे पे लाबे दान फेंक ले, फिर वो भी बताना कि असल ताकत तलवार चलाना नहीं है, तलवार को रोकना है। असल ताकत जब्त है, लड़ता तो हर कोई है, चीरता तो हर कोई है, फाड़ता तो हर कोई है, धाड़ता तो हर कोई है, लेकिन असल ताकत यह है कि ताकत के होते हुए तलवार को रोक लेना। और औज ताकत और मुजाहिरे बातिन जो अली इब्न अबी तालिब ने किया वो तब किया जब अली के घर पे हमला हुआ था। आज तक दुनिया कहती है अली जैसा बहादुर, मेंटलिटी वही है जो तलवार उठाए, मरहब को बिछाड़े, खैबर को फतह करे, खंदक को फतह करे, और अली खामोश रहा। अरे यही खामोशी तो बता रही है कि अली के अंदर ताकत कितनी है। तुम्हारे बड़े शॉर्ट टेंपर वाले थे कि मौला जब हजरत अबा बकर को बुलाते हैं तो कहते हैं कि फलां को मत लेकर आना क्योंकि वो जल्दी गुस्से में आ जाता है। अली नाम है जब्त का, अली नाम है सब्र का, अली नाम है इंटरनल पावर का, अली नाम है अक्ल कामिल का, जो अपने जज्बात पर काबू पा सके उसको अली कहते हैं। जो एक बद्दुआ दे दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे, लेकिन बद्दुआ दे सके पर बद्दुआ न दे, यही तो इताअत है। सलवात पढ़ो लेकिन आखिर में क्या कहो, वसल्लिमु तस्लीमा, यही मकाम तस्लीम है। वो इमाम तस्लीम होकर बताता है कि अगर मैं तुम्हारा रोल मॉडल हूं तुम कितने मकाम तस्लीम पर हो। अगर अली के अंदर इतना कंट्रोल है तो अली के चाहने वाले तेरे अंदर कितना कंट्रोल है। इस ईमान का दारो मदार इसी कंट्रोल पर है। अरे जवान 24 घंटों में तू कितना खुद पे कंट्रोल करता है, जब तुझे गुस्सा आता है कितना कंट्रोल है तेरे वजूद में कि सामने देखो कि माँ खड़ी है या बाप खड़ा है, कि ये जब्त है तुम्हारे वजूद में कि छोटी छोटी आदतों के सामने खुद को रोक सको। इसी कंट्रोल का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब है। कमाल नहीं है, अगर खुदा लड़ने पर आए अपने गजब को नाजिल करने पर आए तो क्या दुनिया के काफरों को तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन वो सब्र से देखता है, उस वक्त का इंतजार करता है जो सही वक्त है। तभी फरमाया है मोमिनों जो जिस जमाने में तुम रहते हो ये जमाना जमाना फितन है, दौरे फितन, फितनों का जमाना। ये कमाल नहीं कि हम सैयदा की शहादत की मजलिस करवाएं और ये हो कि मौलाना आप कहते हो कि उन पर बरमला लानत न भेजी जाए, हम भेज रहे हैं।
आप क्या कहना चाहते हो कि हम डरपोक हैं और आप बड़े बहादुर हो? अगर ऐसा था तो 25 साल अली की जिंदगी बहादुरी में गुजरी थी ना। क्या नाम दोगे उस जिंदगी को? सब्र अली को क्या नाम दोगे? जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने मारा, जिन्होंने पसलियां तोड़ी, अली मशवरा देने जा रहे हैं अपनी जात के लिए नहीं, दीन इस्लाम के लिए। अली का मशवरा उनकी जात को फायदा नहीं दे रहा था, मशवरा अली इस्लाम को फायदा दे रहा था। जंगें उन्होंने लड़ी, ईरान को उन्होंने फतह किया, लेकिन आज वहां पर किसकी विलायत नाफिज है? अली की। यही तो उनको सबसे बड़ा गुस्सा है। कहते हैं ये इसलिए बुरा कहते हैं क्योंकि हमने मुसलमान बनाया था। हम तो खुश हैं कि आप आगे बढ़े और फिर सलमान जैसों ने उनको शिया बनाया। मौला की निगाह दूर तक थी। ये बिल्कुल अनलॉजिकल बात है, कोई इंसान उस दरवाजे से बाहर आए और मैं उसके बाप को गालियां देना शुरू कर दूं? सीधी बात है, गाली दूंगा, मेरी बात को नहीं सुनेगा। लेकिन अगर मैं एक आलिमाना माहौल बनाता हूं, आकिलाना माहौल बनाता हूं, उसी इंसान से चंद सवाल करता हूं, आए तथहीर पढ़ता हूं उसके सामने, आए मुबाहिला पढ़ता हूं उसके सामने, फिर उसके शऊर को बेदार करता हूं, वही इंसान जो कल उनको सलाम कर रहा था, जब तुम अच्छे इफाम और तफहीम से उसके आगे बढ़ोगे, आज आकर वो लानत भी करेगा। ये वाहिद वाकया जनाब सैयदा का वाकया फदक, जिससे अक्सर लोग इस सूबे सिंध में शिया हुए, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इसी वाकये से शिया हो रहे हैं, क्योंकि वाकया हसास है। इस वाकये को अगर सही तरीके से हैंडल करोगे, हर मुसलमान, कौन सा मुसलमान है जो सैयदा की शान को न माने? लेकिन ये बात याद रखिए, अगर आपके वजूद में किसी की मोहब्बत है, वो आपकी वजह से नहीं है। आपके जहन में मैंने जो इंफॉर्मेशन डाली, उसी की बुनियाद पर आप उससे मोहब्बत कर रहे हो। अगर मेरे वजूद में किसी की नफरत है, जो इंफॉर्मेशन मेरे जहन में, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मेरे जज्बात हैं और जज्बात की बुनियाद पर मेरे एक्शन हैं। तो अगर तुम्हें उसके जज्बात को बदलना है, पहले उसकी इंफॉर्मेशन को बदलना होगा। खुदा ने हर इंसान को साहिब अकल बनाया है। तो फरमाया हमारे चाहने वाले दौरे फितन में ये ताकत है, जब्त ये ताकत कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के वजूद में थी, कि सैयदा ज़ैनब का किरदार एक मरतबा करबला में देखो, अजीब बीबी का किरदार, फिर वही किरदार दरबार इब्ने ज़ियाद में देखो, फिर वही किरदार दरबार यजीद में देखो। बीबी इब्ने ज़ियाद से जब बात करती हैं तो बड़े धीमे लहजे में बात करती हैं, और जब यजीद से बात करती हैं बड़े तुंद लहजे में बात करती हैं। बीबी तुम इससे आराम से बात कर रही हो, उससे तुंद लहजे में? बीबी लोगों के मिजाजों को जानती थी कि इब्ने ज़ियाद का मिजाज कैसा है, यजीद का मिजाज कैसा है। तुम्हें पहले दुश्मन को परखना होगा, फिर उस दुश्मन से बात करनी होगी। दुनिया में लाखों क्लासेस होती हैं सिर्फ इंसान की साइकोलॉजी को समझने के लिए। तुम पहले अपने माशरे की साइकोलॉजी को समझो तो सही, इनकी मेंटेलिटी कैसी है, उसकी मेंटेलिटी को रीड करो। भाई एक जवान निकलता है मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम पर, मिलियन फॉलोवर जमा करता है, कैसे जमा करता है? हमारे कई नौजवान शिया भी उनकी तकारीर सुनते हैं, सवाल करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस बंदे ने इस माशरे को कैसे कन्वर्ट, अगर वो गालियां देकर कन्वर्ट करता, हरगिज कन्वर्ट ना करता। देवबंद के लोगों को, बरेलवियों के, सब के लोगों को उसने अपनी तरफ खींचा है। और मुझे तो हैरत है उस बंदे ने काम कैसे किया। एक मोटर बाइक है उसके पास, ऊपर एक छोटा सा कमरा है। इसका मतलब अगर नीयत हो और हिम्मत हो, इंसान दुनिया को बदलने की ताकत रख सकता है। हमारे जवानों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। इस तरह उसने तब्दीली लाई, गालियां देके कोई तब्दीली नहीं ला सकता। आप दलील दो, दलील अकल की हो या किताब की हो, हर इंसान मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप गाली दोगे, किसी का बाप शराबी भी हो ना, उसके मुंह पे बोलोगे तुम्हारा बाप शराबी है, वो गुस्से में आ जाएगा। लेकिन अगर उसको अखलाक से बिठाओगे और समझाओगे और बताओगे कि ये कुरान की आयत है कि शराब नजिस है, ये बुरी सिफत है, तो आपको सिफत से दूरी करनी चाहिए। अखलाक बेहतरीन चीज़ है। फरमाए अखलाक पत्थर को नरम कर देता है। बद अखलाक इंसान न खुदा को पसंद है न रसूल को पसंद है। फरमाए बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। वो शागिर्द उस्ताद को पसंद है, वो बेटा माँ को पसंद है, वो शिया इमाम को पसंद है जिसके वजूद में अदब हो और अखलाक हो। क्यों इतने आदाब हैं कि मौला की ज़ियारत को जाओ तो ये अदब है, गुस्ल का ये अदब है, सुफरे का ये अदब है, पानी पीने का ये अदब है,
जब खड़े होकर इमाम जमाना की ज्यारत पढ़ो, अदब है, सर को झुकाया करो। खुदा से जब दुआ मांगो हाथ, जब खुदा हर कुजा है तो हम हाथों को क्यों, अदब है दुआ है। जब खुदा हर हर जगह पर खुदा है तो हाथों को हम ऊपर क्यों उठाते, क्या मतलब खुदा ऊपर है नीचे नहीं है, क्या खुदा जमीन पर नहीं है कि हम हमेशा जब मांगते हैं तो निगाहों को ऊपर क्यों करते हैं, क्या खुदा आसमान पर बैठा हुआ है। क्योंकि तुम रुकू में भी जाते हो तो कहते हो सुभान रब्बी अल अजीम व बिहम्दे, सजदे में भी जाकर कहते हो सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दे, क्योंकि वो उलू और बड़ा है, लिहाजा बड़े होने की निशानी है कि हाथों को ऊपर ले जाओ, वो अजीम है, वो बड़ा है, महसूस करो उसके बड़ेपन को, इसीलिए कहा हाथों को ऊपर ले जाओ। फिर कहा जब दुआ मांगो तो इन हाथों को चेहरे पे लगाया करो, कहो मौला क्यों, परम तेरे हाथों पर अपनी रहमतों को नाजिल करता है, इस रहमत को अपने मुंह पे लगाया करो ताकि तुम्हारा चेहरा क्या हो जाए, नूरानी हो जाए। हर चीज का अदब है, तबलीग का अदब है, अमर बिल मारूफ का अदब है, मजलिस पढ़ने का अदब है, यही अदब है जो इंसान को अहले बैत के करीब ले जाता है। अनपढ़ भी इंसान हो ना लेकिन उसमें अदब हो। मौला हुसैन करबला से उसके लिए सलाम भेजते हैं, और पढ़ा लिखा आलिम भी हो लेकिन उसके वजूद में अदब ना हो, अहले बैत उसे पसंद नहीं करते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। ऐज़ाने मोहतरम इसी ज़ब्त और कंट्रोल का नाम है विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम। हमें देखना है कि मेरे वजूद पर, अपनी हरकत और सकनात पर मेरा कितना कंट्रोल है। एक ईरानी जवान जनाब सैयदा से मंसूब अपना एक वाकया बयान करता है, कहता है कि मेरे घर वाले बहुत आज़ादार नेक, मेरी माँ नेक, मेरा बाप नेक, नमाजी, आज़ादारियों में शिरकत करने वाले, मुहर्रम की मजालिस में जाने वाले, लेकिन मैं बहुत दीन के रास्ते से हटा हुआ था। मैंने घर लिया हुआ था जहाँ पे मैं अकेला रहता था अपने दोस्तों के साथ, दुनिया की रंगीन ज़िंदगी गुजारना, अय्याशियाँ करना, शराब नोशी करना, हर गुनाह में करता था। कब मुहर्रम के दिन अय्याम अज़ा शुरू हुए तो गालिबन शबे सात या शबे आठ थी, तो मैंने अपने सब दोस्तों को फ़ोन किया, आओ आज रात भी मस्ती करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुहर्रम शुरू हो गया लिहाजा हमें शर्म आती है, मुहर्रम के बाद आएंगे। ये मैंटलिटीज़ भी हैं बाज़ लोगों में, चंद दिन एहतराम कर देते हैं। हर दोस्त को उसने उठका, कोई मुझे दोस्त नहीं मिला। मैं कह रहा रास्ते से जा रहा था तो ज़ाहिर वहाँ टैक्सियाँ रास्ते पे जाती हैं, मुसाफिर सवार होते हैं। एक खातून रास्ते पे रुकी हुई थी, उसने इशारा किया कि आप आगे की तरफ जाओगे, मैंने कहा, मैंने उसे सवार की, सवार किया तो मेरी नीयत बुरी हुई उस खातून की तरफ, मैंने गाड़ी को मोड़ा और अपने घर की तरफ जाना चाहा। कि जब उस खातून ने महसूस किया कि ये मुझे जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ नहीं ले जा रहा, कहा कि मुझे आप आगे ले जाएं, आप कहाँ जा रहे हैं, इसने अपनी नीयत का इजहार किया। खातून ने कहा वाय हो तुझ पर, आज शबे गम है, शबे हुसैन है, तुम्हें खौफ खुदा नहीं, खौफ हुसैन नहीं, क्या शिया नहीं हो? कहूं लेकिन मेरा दीन पर कोई ना एतबार है ना ईमान है। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उसने कहा तुम किसी और को नहीं मानते लेकिन सैयदा जहरा को तो मानते होंगे ना? मैंने कहा कौन है जहरा? कब बख्त सोजे अली मादर हसन है। कहा तो क्या? कहा मैं सैयद जादी हूं, उसी बीवी की बेटी हूं। तुमने पूरी जिंदगी गुनाह किए होंगे, आज मेरी माँ के सदके मुझे छोड़ दे। कहते पता नहीं मेरे दिल में ऐसा क्या हुआ, जब सैयदा जहरा का मैंने नाम सुना तो वजूद में जैसे दिल नरम हो जाता है इंसान का, मेरा दिल नरम। मैंने गाड़ी मोड़ी और उसे जहाँ उतरना था, एक इमाम बारगा था, मैंने वहाँ उसको उतारा, गाड़ी मोड़ के मैं अपने इमाम बारगा जहाँ उसको उतारा वहीं नज़दीक में मेरे माँ बाप का घर था, क्योंकि ये अलग रहता था। घर गया, घर में कोई नहीं था,
बाप माँ सारे चले गए थे इमाम हुसैन की मजलिस सुनने, इतने में अपने घर के हॉल में बैठा था, मैंने टीवी खोला। जैसे टीवी खोला तो लाइव टीवी में करबला का मंजर दिखाया जा रहा था। कहते वो मंजर नजर भी आ रहा था, वो कोई शख्स मसाइब पढ़ भी रहा था, कभी लाइव करबला का मंजर, कभी जन्नतुल बकी के मनाजिर दिखाए जाते थे। का उसने मसाइब पढ़े जनाब सैयदा के, मैंने सुने तो अचानक मैंने रोना शुरू कर दिया। कहता जिंदगी में इतना नहीं रोया था जितना उस रात में रोया, और जब बैनुल हरमैन को देख रहा था तो उसमें एक शख्स ने वाकया बयान किया कि अगर कोई अपने माँ बाप से बेहतरामी करे उसकी ये सजा होती है। कहता मेरे छोटे से छोटा गुनाह ये था कि मैंने अपनी माँ पे भी हाथ उठाया था, मैंने अपने बाप पे भी हाथ उठाया था, उस मुसीबत करबला ने मुझे बदल दिया, और ऐसा बदला कि मेज़ारों कतार रोने लगा। रोते रोते मैंने अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगी इमाम हुसैन से, शहदाए करबला से। अजीब सा इनकलाब था मेरे दिल में। तो फरमाया अहले बैत कभी कभी इन दिनों में छोटी सी चिंगारी जला देते हैं और उस चिंगारी से ये पूरा वजूद तलातुम में बदल जाता है। तो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, पूरी रात रोता रहा, मेरा वजूद कांप रहा था रोते रोते कि मैंने कितने बड़े गुनाह किए हैं। इतने में सुबह का वक्त करीब था, मेरी माँ घर आई, ताज्जुब से देखा कि बेटा घर में है, रो रो के आंखें मेरी लाल हो चुकी है। इसका नाम रजा था, और माँ रोते हुए कहती है कि मेरे लाल मेरे करीबा, तुझसे मुझे हुसैन की खुशबू आ रही है, तू बहुत बदला बदला लग रहा है, तू वैसा नहीं जैसा मैंने तुझे पहले देखा था। का ये कहना था, मैं रोते रोते माँ के कदमों पे गिर गया और शिद्दत से माफी मांगी, कि माँ मैंने बड़ी आपकी खिदमत में बेहतरामी की। कहाँ गई थी? कहा हुसैन की मजलिस में। कहा खुदा को उसी हुसैन का वास्ता तो मुझे बख्श दे, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद मैं खता नहीं करूंगा। का अजीब सा इनकलाब मेरे वजूद में आ गया। का माँ बहुत खुश हुई, बाप खुश हुआ, अब मैं अपने घर में रहने लगा। 20 दिन गुजर गए, अच्छा सा लड़का बन गया, अब नमाजों पे जा रहा हूँ, मस्जिद में जा रहा हूँ, मस्जिद वाले परेशान, जो मस्जिद का चेहरा नहीं देखता था मस्जिद में आ रहा है, हुसैन की मजलिस में जा रहा हूँ, मातम के दस्तों में शिरकत कर रहा है, मोहल्ले वाले खुश, ये नेक हो गया। का इतने में वहाँ का कोई बड़ा ताजिर था, वो एक काफिला ले जा रहा था, उसने कहा रजा तुम बहुत नेक हो चुके हो। मैंने एक टिकट रखी हुई थी ऐसे ही जहन में कि किसी को करबला लेकर जाऊंगा, का मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि हुसैन मुझे करबला बुलाएंगे। का सफर करबला हुआ, करबला गया, आका हुसैन की ज्यारत की, शुक्र हुसैन किया, शुक्र खुदा किया, ए खुदा एक मेरी नेकी ने मुझे करबला पहुंचा दिया, एक मेरे अदब ने एहतराम ने सैयदा कि मुझे कहां से उठा के कहां पे लाकर खड़ा कर दिया है। कहता 20-25 दिन मैंने सारी ज्यारतें की, और अभी वापस ही आया था, दोबारा एक और काफिला था, उनका मेरा वहाँ जाना उनको बहुत अच्छा लगा, हैंडल करना काफिले को अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि एक और काफिला है जो हज पे जा रहा है। मैंने फिर रोना शुरू किया, मैंने कहा हुसैन कितने एहसान करोगे, करबला भी बुला लिया, नजम भी बुला लिया, फिर हज पे बुला लिया। कभी ने तवाफ़ खाने खुदा किया, जब मदीने गया और जन्नतुल बकी पहुंचा, कहा भी टूटी हुई कब्र को देख रहा था, मेरा वजूद अजीब हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जहरा कह रही है तूने मेरा एहतराम किया, देख मैंने तुझे कहां बुलाया है। कहता ऐसा तो नहीं था, दुआ की कि बीवी इतना गर्म किया है तो आखिर दम तक अपना नौकर बना के रख लें, अब जिंदगी में जो भी हो वो आप करना बीबी। कहता है वापस पलट के आया, मेरे वालिद का एक पुराना दोस्त था, माँ ने कहा बेटे अब नेक हो गए हो, साले हो गए हो, करबला भी गए, मदीने भी गए, जन्नतुल बकी भी गए, जवान हो, गुनाहों से बचो, शादी कर लो। मैंने कहा माँ जहाँ आप शादी करवाए मैं तैयार हूँ। का वालिद का पुराना दोस्त था, उसकी बेटी बहुत नेक साले परहेजगार,
उसके बाप ने मुझे एक दिन बुलाया, कहा रजा अब तो बदल गया है, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दूँ, लेकिन मुझे शर्मिंदा न करना, मैंने तुम पे एतबार किया है। कहा रिश्ता लेने के लिए अपनी अम्मी के साथ उनके घर गया, जैसे घर रिश्ता लेने गए तो ईरान में रस्म में ख़वातीन चाय लेकर आती हैं। कहा वो खातून जिसका रिश्ता लेने गया था वो चाय का ट्रे लेकर आई, बस उसने जैसे मुझे देखा वो उस ट्रेल उसके हाथ से गिर गया और वो बेहोश होकर गिर गई। उसकी माँ उसको अंदर ले गई, होश में आई, रो रही है, रो के बस एक जुमला कह रही है, या जहरा या जहरा या जहरा। मैंने अम्मी को कहा मसला क्या है, क्यों बेहोश हो गई, क्यों रो रही है, क्यों चीख रही है? जब इसकी माँ अंदर गई, कहा बेटी मसला क्या हुआ है? का कुछ ही दिन पहले मैंने सैयदा को ख्वाब में देखा, बीबी ने इसी जवान का फोटो मुझे दिखाया और मुझे कहा मेरी बेटी ये बदल गया है, जहरा की खातिर से ना न कहना है। ये है जब तू एक कदम उनकी तरफ उठाता है वो फिर तुम्हारी जिंदगियों में ऐसा बदलाव लाते हैं। यही जब्त है ना, अगर वो चाहता उस वक्त गुनाह करता, कोई रोकने वाला नहीं था, अकेला गाड़ी में था, लेकिन उसने एहतराम है सैयदा के, सैयद मीर दामाद, जब उसने खुद को गुनाह से बचने के लिए अपनी 10 उंगलियों को जला दिया था, वक्त के बादशाह ने फिर अपनी बेटी का उसको रिश्ता दिया था, उससे पूछा कि ये बता लोग गुनाह के लिए तरसते हैं, तू अकेला था, तुझे मौका था, तुमने गुनाह क्यों नहीं किया? का एक वजह से, कब बादशाह साहब मैं सैयद हूं, मैं ये सोच रहा था जब कयामत के दिन मेरी दादी जहरा आएंगी। भाई ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है कि बीबी नाके पर आएंगी और आवाज आएगी गुज्जू अब सारकुम आंखों को बंद कर दो, नबी की बेटी आ रही है। ये हमारे लिए भी है कि जब वो बीबी आएंगी, और यही सोच रहा था बीबी को मुंह क्या दिखाऊंगा, कम से कम ऐसा चेहरा बनाऊं कि सैयदा के दुख मिट जाएं। मुश्किल नहीं है मेरे अजीज, बस यही कंट्रोल, यही जब्त जो अली इब्न अबी तालिब के वजूद में था। कई मजालिस में कह चुका कि जब अली के हाथों में रस्सियां देखी एक यहूदी ने, फौरन यहूदी ने कलमा पढ़ा। जब पूछा गया कि तुमने नबी के जमाने में कलमा नहीं पढ़ा, तू आज कलमा पढ़ रहा है क्यों? फरमा यही हाथ है जिनको मैंने खैबर और खंदक में देखा था, यही हाथ है जिसने मरहब और अंतर को बिछाड़ा था, लेकिन आज ऐसे खड़ा है जैसे अली ने जिंदगी में तलवार उठा ही नहीं है। 20 साल अली ने जिंदगी ऐसे गुजारी जैसे अली को लड़ना नहीं आता था। जब जंगे सिफीन हुई तो लोगों ने कहा अली तो तलवार उठाना भूल गए हैं। उस वक्त अली ने बताया मैं तलवार उठाना भूला नहीं था, सब्र इलाही का पाबंद था, हुक्म इलाही का पाबंद था। यहूदी कहता है मुझे यकीन हो गया जहां से इसके गजब का कंट्रोल है वहीं से इसके शुजात का कंट्रोल है। तो मेरे अजीज इसी कंट्रोल का नाम है विलायत अली इब्न अबी तालिब। सैयदा तय्यबा ताहिरा जिसका वजूद वजूद पुरनूर है, जब नबी फरमाते फातिमा तो मत आतो मिलनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, ये फिजिकल जिगर की बात नहीं हो रही, अगर मेरा वजूद रहमत का वजूद है तो इस रहमत का एक टुकड़ा सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। कि मेरे छठे माँ फरमाते हैं कैशियो तुम जब भी दुआ करते हो खुदा को हमारा वास्ता देते हो, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो खुदा को अपनी दादी जहरा का वास्ता देते हो। जब आका अली से पूछा गया ना किसी ने, दो लोग आपस में तकरार बहस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, तो एक ने कहा ये बड़ी मुसीबत है मर्द कर्जदार हो, दूसरे ने कहा नहीं बे औलाद हो, इसने कहा नहीं बीवी मर जाए, दूसरे ने कहा नहीं। बातें करते गए किसी इत्तफाक में नहीं पहुंचे। मौला अली मस्जिद से आ रहे थे, कावली से पूछते हैं अली आप बताइए मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? बस कहना था अली का चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया और अली जमीन पर बैठकर ऐसे रो रहे थे जैसे छोटे बच्चे रोते हैं।
कि या अली हमने सवाल किया है, आप इतना रो क्यों रहे हैं? कि तुम्हारा सवाल बहुत मुश्किल है। कि या अली जवाब क्या है? फरमाए मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है वो फातह खैबर हो, वो फातह बद्र हुनैन हो और उसी के सामने उसकी बीवी को मारा जाए। इसी को जब्त कहते हैं। ये कमाल अहले बैत है, तलवार तो हर कोई लड़ा सकता है, ये कमाल अली है। वो कमाल सैयद सजाद था कि सब कुछ कर सकें पर न करें, निगाह इलाही के मुंतजर रहें। अबू जर ने सलमान पे गुस्सा किया, सलमान अली के हाथों में रस्सी है तो तलवार नहीं उठा रहा। सलमान ने कहा अबू जर ये बता तू ज्यादा बहादुर है अली ज्यादा बहादुर है? कहा मेरी निगाहें अली के हाथों पर है, अली तलवार उठाएगा तो सलमान तलवार उठाएगा। यही जब्त, जब कोई छोटा तेरे साथ बेहतरामी और बदतमीजी करता है तो अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल करता है। जब बीवी, जब माँ, जब बाप होता है इंसान की ज़िंदगी में, ऐसे लम्हात इंसान गुस्से में आ जाता है, उस वक्त सैयदा जहरा को याद करके अगर तुमने कंट्रोल किया, ये वो वक्त है मेरे अजीज़। जब हराम सामने हो तो रुक जाए, जब बदकारियां सामने हो तो रुक जाए, जब मुआशरा बदकारियों के तलातुम में बह रहा हो लेकिन तू सैयदा के टूटे हुए पहलू को देखकर रुक जाए। इसी को इस्मत कहते हैं, इसी को अकल कहते हैं, इसी को तहारत कहते हैं। छठे इमाम का जमाना है, एक शख्स दौड़ा आया, मौला आपके चाहने वाले को वक्त के हाकिमों ने पकड़ा है और लगता है उसे उसका सर कलम कर दिया जाए। इमाम ने कहा क्यों, उसने ऐसा क्या किया? कहा मौला किया कुछ नहीं, रास्ते से जा रहा था, पांव फिसल गया और जैसे फिसला तो वो अपनी पहलू के बल जमीन पे गिरा और जैसे गिरा तो उसको बहुत तकलीफ हुई और जब तकलीफ हुई तो उसने बुलंद आवाज से कहा खुदा जहरा के कातिल पे लानत करे। नाम लेकर सिपाहियों ने सुन लिया, लेकर गए। इमाम ने सबको कहा अपने साहब को मस्जिद में जमा हो जाओ, जिसने मेरी दादी के कातिल पे लानत भेजी आओ उसके लिए दुआ करते हैं, खुदा उसे आज़ाद करे। इमाम ने दुआ की, दुआ करने के बाद कहा जाओ खुदा ने उसे आज़ाद कर लिया है। ये बाहर गए, देखा वाकई वो आज़ाद हो चुका है। उसको कहा तुझे पता है तू किसकी दुआ से आज़ाद हुआ? कहा किसकी दुआ से? कहा छठे इमाम की दुआ से। आओ मौला का शुक्रिया अदा करो। इमाम की खिदमत में आता है, कदमों में बैठता है। इमाम ने कहा मेरे जो एक सवाल का जवाब दे। कहा जी मौला। कि ये बता जब तू गिरा था तो मेरी अम्मा का कातिल तुझे याद क्यों आया? लोगों को चोटें लगती हैं, जहरा का कातिल तुझे क्यों याद आया? कहा कि मौला मैंने आप ही से सुना है कि बीवी की पसलियां टूट गई मौला मेरी पसली टूटी नहीं थी, मैं जब गिरा तो पसली का दर्द इतना था मैं सोच रहा था जिस बीवी की टूट गई होंगी उस बीवी को कितनी तकलीफ हुई। बोला तभी मैंने बीवी के कातिल पे लानत भेजी। ऐसे नहीं कि मानो सिर्फ फरमाते जियो जब जब प्यास लगे तो मेरी सकीना को याद किया करो, जब प्यास लगे मेरे अली असगर को याद किया करो। वल्ला जब मुसीबतों और तकलीफों में आओ तो अपनी तकलीफ में अहले बैत की तकलीफ को याद किया करो। एक सुकून मिलता है, एक तस्कीन मिलती है। तभी इमाम हसन, मैं अक्सर मजालिस में यही पढ़ता हुआ आ रहा हूं कि बेटे माओं से बड़ा प्यार करते हैं। अगर किसी की माँ को कोई कुछ बोल दे बेटा बर्दाश्त नहीं करता। बेटियां बाप से ज़्यादा उल्फत रखती हैं, बेटे माओं से ज़्यादा उल्फत रखते हैं। तभी इमाम हसन फरमाते हैं मैं बड़ा था, हुसैन छोटा था। किसी मोमिन ने कहा मौला आप इतना लंबा रास्ता लेकर जाते हैं, ये रास्ता तो करीब है, इस रास्ते से क्यों नहीं मस्जिद में जा रहे? कहा जाना तो चाहता हूँ लेकिन गली में उसका घर है जिसने अम्मा पे आग का दरवाज़ा गिरा रखा था। जब भी इसका चेहरा देखता हूं मुझे टूटी हुई पसलियां याद आ जाती है।
तभी किसी जाकिर के ख्वाब में आए हसन इब्न अली, फरमाए जाकिर तू मेरे असली मसाइब क्यों नहीं पढ़ता। कहा मौला मैं तो आपके सारे मसाइब पढ़ता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ हसन के जिगर के 72 टुकड़े हो गए, मैं ये पढ़ता हूँ मर्द परेशान हो के बीवी के साथ दर्द दिल करता है, हसन की बीवी दुश्मन निकली, मैं तो ये पढ़ता हूँ कि जनाजा जब घर से निकला तो सफ़ेद कफन था, जब वापस आया तो लाल हो चुका था। कहा ये मेरे मसाइब हैं लेकिन असल मसाइब नहीं है। बोला असल मसाइब क्या है? फरमाया मेरे असल मसाइब मदीने की गली में है। एक जला हुआ दरवाजा था, दरवाजे के पीछे मेरी अम्मा जहरा थी, मैं और हुसैन छोटे थे, फरियाद कर रहे थे कोई आए मेरी अम्मा को बचा ले। ये हुसैन की यतीमी की रात है, ये हसन और जैनब की यतीमी की रात है। अल्लाह सबको जन्नतुल बकी की ज्यारत नसीब करे, अल्लाह सबको मैनुल हरमैन की ज्यारत नसीब करे, दिलों को करबला ले जाए। अस्सलाम अला को काम करने दो।
देखा अली, मैंने ख्वाब में बाबा को देखा। बाबा ने कहा जहरा तेरे दुखों के दिन खत्म हो गए। इतना सुना था अली आकर के रोने लगे, जरा तेरे बाद अली कैसे जिएगा। कहा या अली गसलने बिल, अली रात में गुसल देना। अजीब शर्त रखी, फरमाया अली जब गुसल दो एक जहमत करना, मेरे बदन से मेरी पिरहन उतारना। मुझे नहीं पता कौन सा जख्म है, तारीख में तीन जनाजे ऐसे हैं जब इमाम ने गुस्ल दिया आह बुका करके रोने लगे। एक जनाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जब इमाम बाकर मौला की पीठ धोने लगे। क्या देखा जख्म ताजा है, अभी तक गर्दन के तोप ने जख्म बाकी रखा। दूसरा जनाजा जिंदान शाम में, बीबी ज़ैनब ने कहा सज्जाद क्या कमीस उतारू या नहीं, कबू भी अम्मा पेरा न उतारना क्योंकि कमीज जख्मों के साथ चिपक गए हैं। अगर मेरा हाथ उतारोगी बदल से खून बहेगा। तीसरा जनाजा सैयदा लहरा का, अली ने पैराहन के ऊपर से गुस्ल तो दिया लेकिन फिजा फरमाती है जब कफन देना चाह एक मर्तबा पैराहन उतरी, फिजा ने देखा 11 जख्म है। अली की फरियाद बुलंद हुई, जहरा तेरा पहलू टूटा था। तूने अली को नहीं बताया। दूसरी वसीयत अली कफन बिल, अली रात में कफन देना। तीसरी वसीयत या अली दफनी बिल, मुझे रात में दफन करना। बीबी रात में कफन करें समझ आता है, रात में गुसल दे समझ आता है, लेकिन बीबी सुबह को भी दफन कर सकते थे। सुनोगे सैयदा का जवाब आएगा, अली मैं नहीं चाहती मेरे जनाजे में वो आए जिसने मुझे दरबार में खड़ा किया। जिन्होंने मेरे मोहसिन को गिराया, जिन्होंने मेरे हसन को रुलाया। चौथी वसीयत की, या अली ये शीशी ले लो, इसमें नमाज तहज्जुद के आंसू हैं, मेरे कफन में रख ले। सैयदा नमाज तहज्जुद का दर्स दे रही है। पांचवी वसीयत या अली जब मैं चली जाऊं जल्दी से शादी कर लेना। अली मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा हुसैन छोटा है,
या अली उम्मुल बनीन से शादी करना क्यों धरा। अली जा मैंने आंखों से देखा जब मेरा हुसैन चलता था, ये हुसैन के कदमों की खाक उठाती थी अपने आंखों से लगाती थी। हुसैन से बड़ा प्यार करती है। जब करबला का वाकया हुआ ये बीबी जन्नतुल बकी में जाती थी, चार कब्रें बनाती थी, कहती थी अब्बास मैं तुझ पे नहीं रोऊंगी, जाफर मैं तुझ पे नहीं रोऊंगी, फिर चारों कब्रों को मिटाती थी, एक कब्र हुसैन की बनाती थी। अब्बास तेरी माँ जिंदा है पर हुसैन की माँ जिंदा नहीं है, मैं हुसैन पे रोऊंगी। वफाए उम्मुल बने आखिरी वसीयत ने अली का कलेजा हिला दिया, कहा या अली मैं थोड़ी देर की मेहमान हूं, अली अगर कोई गलती हुई हो जहरा को माफ कर देना, अदादारों गलती का नाम आना था। अली की आह बुलंद हुए का जहरा आप और गलती, अरे मैं अली शर्मिंदा हो, मेरे घर में आपने चक्की पीसी और मेरे घर में आप आज का दरवाजा। जहरा अगर रसूल की वसीयत न होती परवरदिगारा तुझे सैयदा की मजलूमियत का बास, तुझे इस बीबी के जख्मी बदन का बास, तुझे हुसैन की यतीमी का बास, तुझे अली की गैरत का बास, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, हम सब को मौला के आवान व अंसार में शरीक फरमा। परवरदिगारा इस मजलिस का सवाब बानियान मजलिस के मरहूमीन तक पहुँचा दे, तब तक मौत न देना जब तक अपने गुनाहों से माफ़ी न कर ले। परवरदिगारा बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद इन आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा, इन सब को अतबात आलिया की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा क़यामत और दुनिया में शफाअत जनाब सैयदा नसीब फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, बिलख़स आले यहूद और आले सऊद के शर से मुसलमानों को महफूज फरमा, मोमिनीन में इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा। कबूलियत के लिए एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।